जी, मेरा नाम आमिर सलीम खान है और आप मुझे बजूका पे देख रहे हैं। क्यों? ये काम करिए, संगठन वालों से कह दीजिए हम उनसे नहीं मिल सकते, इंक्वायरी उनके हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि जिस जगह पे वो कब्जा करके बैठे हैं उससे आम आदमी को तकलीफ हो रही है। लोग फुटपाथ पे चल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीमार टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, रात दिन वहां पे गाड़ियां ट्रैफिक में जाम रहती है। इतनी उत्तेजित क्यों हो रहे? मतलब कि अपनी पहली पोस्टिंग पे धाक जमा रही है आप? हां, बढ़िया, अच्छा है, लगे रहिए एकदम डट के, जैसे अलका भाभी के दुख का बेड़ा उठा के जगत में जा रही ये कार्यक्रम चला रहे हैं, बस इसको निलंबित कर दीजिए। रिश्ते का सम्मान करते हैं, एक बार जब अपमान किया अरे अब डरिए मत, क्या क्या बोलती है? करते रहे, जा 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 फेस पे जा। हाँ, अभी यार ये हाँ क्या पूछ रही थी आप? काव्या के साथ हाँ, जो हो रहा है वो हमने देखा, क्या था सीन के बारे में जानना चाहेंगे? सीन कुछ नहीं है, ये काव्या जो है बोलते ना पॉजिटिव है, ये जो है अनुराग ये नेगेटिव है, तो यही चल रहा है, ये उसको चेज कर रहा है क्योंकि उसको कुछ चीज़ें पता चल गई हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं परिवार को उसके खिलाफ लेके जा रहा है। वेल, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप उनको मतलब इतना ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि मतलब उनको डराते हुए कि जिस तरीके से आप नज़दीक जाते हैं और ये सारी चीज़ें, सडनली मूड भी आपका चेंज भी हो जाता है देन एंड देन, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। हाँ, वो तो राइटर ने लिखा है ना वैसा करने के लिए। आपकी एक्टिंग भी अपने अच्छी, एक लास्ट में सडनली ऐसे स्क्रिप्ट देन आप नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, तो वही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी कि वो परिवार को अलग करना चाह रहा है काव्या से। यार फैंस के लिए क्या कहूँ, फैंस को मैं यही कहूँगा कि यार काव्या शो हिट है और हिट कर दें इसको और बढ़िया चले, लोग अच्छा खासा काम हम कर रहे हैं, पैसा सा कमा रहे हैं, पैसा सा कमाएं, और ये फैंस भी अपना ध्यान रखें, खाए पिए मस्त रहें, और 2024 चल रहा है ना, इन्जॉय करें।